मित्रों, हद से ज्यादा दारू पीने के बाद इंसान कुछ भी करता है। अंग्रेजों की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इन आंटियों की तरफ देखो, बीड़ी फूंक रही है। सिर्फ बीड़ी ही नहीं, बीड़ी फूंकने से पहले इन्होंने दारू की पूरी बोतल चढ़ा ली। देखो मित्रों, पूरी की पूरी बोतल खाली कर रखी है, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। बोतल को सर के ऊपर रख के खूब डांस वांस कर रही है। इसने पहले तो बोतल को अपनी सहेली के ऊपर रखा और डांस वांस किया, और उसके बाद बोतल रख ली अपने सर के ऊपर और डांस वांस करने लगी। नशे में पूरी तरह से धुत है और बोतल से बातें भी कर रही है। अबे आंटी, क्या गम था तुमको? हाँ, यो कि तुमने दारू पी डाली और उसके बाद दोस्तों पापा पप्पियाँ भी दे रही है, उड़ती हुई पप्पियाँ। मत लेना दोस्तों, इसने दारू पी रखी है, इसकी पप्पियों में भी नशा होगा, खामखा आपको भी नशा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ो। यहाँ पर अंग्रेजन की तरफ देखो, खूब दारू शारू पी रखी है। अरे खूब नहीं, बहुत ही ज़्यादा पी रखी है, खुद पर कंट्रोल नहीं है। जैसे बेड के ऊपर चादर नहीं बिछती, ठीक वैसे ही अंग्रेजन भी बिछ चुकी है। ये तो चलो, फिर भी अंग्रेजन थी, इसने अंग्रेजी दारू पी रखी थी, लेकिन दोस्तों देसी दारू में भी बहुत ही ताकत होती है। ये बंदा नदी में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तब यार किसी ने देखा और बुला ली पुलिस की, देखो देखो यहाँ पर कोई टपक गया है, डूब गया है, आओ और इसकी लाश को निकाल लो। तब यार आ गई पुलिस, और जैसे ही पुलिस वाला निकालने लगा, देखो क्या हो गया। देख रहे हो ना दोस्तों, साला उठकर ही खड़ा हो गया। इससे पता चलता है कि हमारी देसी दारू में भी बहुत ही ताकत है। एक बार को तो सभी डर गए होंगे कि साला ये लाश कैसे उठ पड़ी जिंदा होकर। यहाँ पर देखो इस आंटी की तरफ, उससे पहले फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको, डेली शाम 4-5 बजे आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी। इसने बहुत सारा नशा किया और खड़ी होगी रोड के किनारे पर, लेकिन मानना पड़ेगा कि अभी भी आंटी अपने पैरों के ऊपर खड़ी है। यहाँ पर देखो, ये तो बिल्कुल भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही, जैसे ही खड़ी होने की कोशिश करती है बेचारी गिर जाती है। अरे खड़े होना तो दूर की बात है, इससे तो ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा। मित्रों, इस अंग्रेजन को देखकर आपको कुछ याद आया, यानी कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि सपेरा बजता है और इच्छाधारी नागिन ऐसे ही बिल्कुल गिरती है, पड़ती है, उससे भी यार सपेरे की आवाज़ सुनकर खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक वैसे ये अंग्रेजन भी लगी हुई है, लेकिन इसने सपेरे का नशा नहीं किया, बल्कि इसने अंग्रेजी दारू चढ़ाई है। अंग्रेजी पीकर ये हालत है, तो देसी पीकर क्या हो जाता, आप सोच ही सकते हो। वैसे मित्रों बहुत ही गलत बात है, ऐसे दारू शारू नहीं पीनी चाहिए। एक मिनट मित्रों, दारू शारू को छोड़ो, यहाँ पर देखो ये पुलिस वाली क्या बोल रही है। You are under arrest. अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या क्या गुनाह किया है। चलो अपना अपना गुनाह को भूल करो और बताओ कि तुम्हें किस चीज की सजा मिलनी चाहिए, गंदे बच्चे। मानो यार, जल्दी से अपना गुनाह मानो और इस पुलिस वाली के हाथों बिल्कुल हथकड़ियां डलवा लो और अरेस्ट हो जाओ। अगर आपने कोई भी गुनाह कोई भी जुर्म नहीं किया है तो मित्रों देख क्या रही हो। अरे जुर्म करने को नहीं बोल रहा, बल्कि वैसे ही मान जाओ कि हाँ हाँ मैंने ये वाला जुर्म किया है, मैंने ये वाला पाप किया है, और ये पुलिस वाली आपको उठाकर ले जाएगी और आपकी बल्ले बल्ले कर देगी। पहले हमने देखा कि यार दारू के नशे में लोग बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे, लेकिन ये देखो मित्रों, यहाँ पर खाना नहीं दिया जा रहा, बल्कि सभी को कतार में बिठा कर बीड़ी सिगरेट दी जा रही है। यानी कि खाना वाना जरूरी नहीं है, जरूरी तो ये चीजें हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे ही सभी लोग बोल रहे हैं। और ये जो सिगरेटें देने वाले लोग हैं ना, इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम लोगों को खाना देंगे तो अभी 2-4 घंटे में इनको फिर से भूख लग जाएगी, इससे अच्छा हम लोग इनको सिगरेट बांट दें ताकि इन बेचारे गरीबों के 2-3 दिन अच्छे से निकल जाएं। मित्रों यार फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको और लाइक भी कर दिया करो यार, और जो आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना यार, करते रहा करो और हंसते रहा करो।